कुछ खास छिपा है इसमें, मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। लेकिन मानस और रितिका बच्चे नहीं हैं। अगर उन दोनों के बीच में कोई भी परेशानी है वो आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। सूर्या उस दिन कह रहे थे कि रितिका और मानस के बीच में ना कुछ चल रहा है। मानस सिर्फ मेरा है, मेरा है और मेरा ही रहेगा, समझ गई तुम? मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है रितिका जी, पर मानस मेरा भी है और मेरा भी रहेगा। तुम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो अपने दुखों से दुखी नहीं होते, किसी और के सुख से दुखी होते हैं। क्या हुआ तुम्हारे प्यार का? रितिका प्लीज, इससे हमदर्दी मत दिखाना, इसके झूठे इमोशंस पर मत जाना। अब बता कि अब भी तुम मेरे मंगलसूत्र का बंटवारा चाहती हो? हाँ, मानस के लिए मेरा पागलपन वैसा ही है। तो फिर कानून का नाम सुनकर तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे इस जुर्म की सजा मुझे अकेले भुगतने पड़े। इस जुर्म के लिए इसने मुझे उकसाया है, मानस को रितिका से अलग करने के लिए जिसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, सजा उसे भी मिलनी चाहिए। कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है? मतलब तुमने ये जो कुछ भी किया वो किसी और के कहने पे किया? तुम किसी और के लिए काम कर रही हो? हाँ, मैं मानस से साजिश के तहत मिली थी, पर इनसे मुझे सच्चा प्यार हो गया और मैंने इन्हें पाने की ठान ली। कशिश, तुम्हारे पास अब भी वक्त है, बता दो मुझे कि साजिश के पीछे किसका हाथ है। कम ऑन कशिश, तुम सच्चाई को हंस के टाल नहीं सकती हो, प्लीज सच्चाई बताओ हमें। तो सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, पर क्या आप लोगों में सच्चाई सुनने की ताकत है? कहीं सच्चाई सुन के आपके होश ना उड़ जाए। अपनी बकवास बंद करो तुम और बताओ सच्चाई क्या है। देखो कशिश, हम हर सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। बताओ, बताओ। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ। चलो। डैड, तुम यहां? और ये मानस और रितिका को ये दोनों हमारी सच्चाई जान चुके हैं। ये आपका मोहरा थी। नहीं बेटा, वो क्या है कि
ये और कितना झूठ बोलेंगे आप? कितना? हमें इसने सब बता दिया है। जी हाँ, आपके बेटे और बहू ने मुझसे सब कुछ जान लिया। क्या जरूरत है तुम्हें सच्चाई उगलने की? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी तुम पर? इन दोनों को यहां तक ले आई तुम? अगर मैं ऐसा ना करती तो रितिका जी मुझे पुलिस के हवाले कर देती। क्यों किया पापा? क्यों किया आपने ये सब कुछ? क्यों किया? डैड, हमसे इतनी ही नफरत थी तो हमें गोली मार देते आप। हम उफ तक नहीं करते। लेकिन ये हरकत करने की क्या जरूरत थी आपको? पापा, आपने अपनी ही बहू को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया। इतनी घटिया साजिश रची। तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती। अगर मेरी हरकत घटिया थी तो तुम्हारी हरकत भी बढ़िया नहीं थी। देखिए डैड, रितिका के बारे में एक शब्द भी आपने कहा तो खामोश, खामोश, खामोश। खामोश, खामोश, खामोश। चोरू का गुलाम, तुझे अपने बाप की गलती दिखाई देती है, पत्नी की नहीं। पापा, मैं जब तक इस घर में थी मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। घटिया साजिश कभी नहीं रची है मैंने। मेरा बेटा चुरा कर ले गई तुम। डैड, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, हम यहां पुरानी बातें याद करके उनका मातम मनाने नहीं आए हैं। डैड, तो फिर किस लिए आए हो? किसने बुलाया तुम्हें? ये जानने आए हैं कि आपने इसे क्यों भेजा हमारी जिंदगी में। पापा, एक बात का जवाब दीजिए, हम तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे जी रहे थे ना, क्यों जहर खोला हमारी जिंदगी में? क्यों? मैंने किसी की जिंदगी में जहर नहीं खोला है। अपना खोया हुआ बेटा वापस पाने की कोशिश की है मैंने। बेटे को पाने के लिए ये साजिश जरूरी थी, तो इसमें बुराई क्या है? अरे कशिश खूबसूरत है, जवान है, अपने रूठे हुए बेटे को कशिश जैसा खूबसूरत तोहफा देकर मनाने की कोशिश की है मैंने, और इस खूबसूरत कोशिश में कशिश कसूरवार नहीं है। वाह डैड वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना सोरी। आपकी शर्म कहां चली गई डैड? मुझे लगता है कि शायद आपका जमीर मर गया है। हाँ, मेरा जमीर मर चुका है। तुम्हें पाने के लिए मैं बहुत कोशिश कर चुका हूं और बहुत कुछ कोशिश कर सकता हूं। पापा, आपके बेटे ने आपका घर छोड़ा, उसकी वजह आप थे, सिर्फ और सिर्फ आप। लेकिन फिर भी आपका हक बनता था कि आप अपने बेटे को वापस बुलाए। लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता था कि आप मुझसे मेरा पति छीने। मैं आपको एक बात
साफ साफ बता देती, कान खोल के सुन लीजिएगा, आज तक आपने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन आज के बाद अगर आपने मुझसे मेरा पति छीनने की कोशिश की ना, तो मैं रिश्तों की सारी लिहाज भूल जाऊंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी। और उसका अंजाम ठीक नहीं होगा पापा, ठीक नहीं होगा। चलो मानस। डॉक्टर साहिबा, अंजाम चाहे कुछ भी हो, उसकी फिक्र नहीं, फिक्र है तो सिर्फ अपने बेटे की, और उसे मैं तुमसे छीन कर ही रहूंगा। देखते हैं। रघुवीर अपने बेटे और बहू के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है, ये कभी सोचा भी नहीं था। मानस, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारे पिता एक बहुत ही छोटे इंसान है, एक ऐसा इंसान जिसका खुद का घर जल जाए तो सोचता है कि पड़ोसी का घर क्यों नहीं जला। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रघुवीर जी इस तरह से ऐसी छोटी हरकत कर सकते। दरअसल ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं, पर इसीलिए मुझसे बदला लेने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया। इससे तो ये बात जाहिर है कि रघुवीर जी तुमको नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन रितिका को नीचा दिखाने के चक्कर में खुद भी इतने नीचे गिर गए कि सबके नजरों में उनकी इज्जत ही नहीं रही। एक लड़की को मोहरा बनाकर अपनी बहू की जिंदगी में शहर खोलने की कोशिश की। उन्होंने चाहे जो कुछ भी किया हो, अपनी मर्यादाओं को छोड़कर चाहे कितना भी गिरा हुआ काम क्यों ना किया हो, लेकिन हम उन पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं मानस को दुखी नहीं देख सकती। हाँ, वैसे भी इसमें मानस का क्या दोष है, ये बेचारा क्यों शर्मिंदा हो। मैं मानस को दोषी नहीं समझता, तो शर्मिंदा होने की क्या बात है। ये बेइज्जती, ये शर्मिंदगी मुझे अपने डैड से विरसे में मिली है। मानस, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। हाँ बेटा, अपना दिल छोटा मत करो। मानस देखो, हमें शिकायत पापा जी से, तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जिस तरह बच्चों के गौरव से माँ बाप का गर्व होता है, उसी तरह माँ बाप की गलत हरकतों से बच्चों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मेरे डैड ने सिर्फ मुझे सबकी ही नजरों में नहीं गिराया है, बल्कि अपनी खुद की नजर में गिर गया हूं मैं आज। लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि ये सब उन्होंने किया ही क्यों। पता नहीं रघुवीर जी किस बात का बदला लेना चाहते हैं अपने बेटे से। जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो वो इस तरह से उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है।
रघुवीर जी अपने दिल में गलत फहमी पाल कर बैठे हैं कि मैंने और रितिका ने मिलकर मानस को छीन लिया, उनका बेटा उनसे पराया कर दिया। नहीं पापा, हमने किसी को किसी से पराया नहीं किया। देखो मानस, हम कभी नहीं चाहेंगे कि बाप और बेटे के बीच ये हमारा जाती मामला है, प्लीज मुझे रोकेगा मत। मानस, सुनो। रितिका, क्या हो? अरे मैं पानी लेके आती हूँ भैया। सूर्या, डॉक्टर को फोन करो। हाँ हाँ हाँ। रितिका, डॉक्टर साहब बहुत चिंता हो रही है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? देखिए, बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकता है डॉक्टर? प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? बोलिए ना, क्या बात? आप तो जानते हैं कि डिलीवरी का समय अभी नजदीक आ चुका है और इस टाइम पे एक्स्ट्रा ध्यान की ज्यादा जरूरत होती है। घर की टेंशन, घर की प्रॉब्लम, अभी इन सब चीजों से इन्हें दूर रखना है। अब इन्हें ज्यादा केयर और आराम की जरूरत है और इस सिचुएशन में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए। मैं आपकी बात समझ रही हूँ डॉक्टर साहिबा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और वैसे भी हमारी रितिका बहुत हिम्मत वाली है। वेरी गुड, अगर ऐसी बात है तो हमारा काम आसान हो सकता है। अगर इन्होंने इसी तरह हिम्मत दिखलाया तो फिर हमारे लिए सब कुछ इजी हो सकता है। डोंट वरी, मैं कुछ दवाइयां भिजवा देती हूँ, अभी मैं चलती हूँ। जी, थैंक यू। बाजी, कुछ नहीं होगा बेटा। मुझे डर लग रहा है बाजी। बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम्हारे इन्हीं आंसुओं ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, चौपट कर दिया मेरी बहन को। आपको अपनी उम्मीदें दिख रही है, मेरे अरमान नहीं? तुम्हारे अरमान? कशिश, तुम किन अरमानों की बात कर रही हो जो कौड़ियों के दाम बिकते हैं? अरमान किसी के नहीं बिकते रघुवीर साहब, इसकी मजबूरी बिकती है, मजबूरी। और मैंने भी आपके साथ अपनी मजबूरी का सौदा किया है, अपने अरमानों का नहीं। कशिश, मैंने ये बात कहावतों में सुनी थी कि चींटी के पर निकलते हैं, आज अपनी आंखों से देख लिया। तो ये भी सुना होगा कि वही चींटी अगर बदला लेने की ठान ले
हाथी को भी मार गिरा सकती है। कशिश, तुम्हारे इन बागी देवरों पर गुस्सा नहीं, प्यार आ रहा है। और मुझे आपसे सिर्फ नफरत हो रही है। जब तुम्हारे प्यार का जादू मानस पर नहीं चला तो तुम्हारी ये नफरत मेरा क्या बिगाड़ देगी। देखो, तुम एक लड़की हो, खूबसूरत, आसानी से किसी का भी मोहरा बन जाए, जैसे तुम मेरे खेल का मोहरा बन गए। ये गलत फहमी के गार्डन में घूमना बंद कर दीजिए। तुम भी गलत फहमी की दौड़ से अलग हो जाओ, वरना औंधे मुंह गिरोगी, सारे अरमान चकनाचूर हो जाएंगे तुम्हारे। क्यों मुंह छुपा कर भागने लगी, निकल गई सारी हेकड़ी? देखो कशिश, हम एक कोशिश और करते हैं, इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि अगर सक्सेस हुई तो मानस तुम्हारा। नफरत का ये खेल खेलते खेलते मुझे मानस से सचमुच मोहब्बत हो गई है, और मैंने फैसला कर लिया है कि मानस सिर्फ मेरा होगा, और अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। और मैंने फैसला कर लिया है कि मानस सिर्फ मेरा होगा, और अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी।